तो पूछ रहा हूँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। लौकिक, वाह दिव्य नजारा है इस श्री राम जानकी मंदिर से। महात्मा बोल दे कुछ। श्री राम जानकी मंदिर के भंडारे का प्रसाद का इस तरह से सजाया गया आज। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? तो उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज है गणेश चतुर्दशी का दूसरा दिन और भंडारा भी खत्म हो गया, जो बाल भंडारा की पहली वीडियो आपने देखे है। और आज है साधु संतों का भंडारा, मैं भी वहाँ चल रहा हूँ और चलेंगे। वहाँ पे देखेंगे किस तरह से साधु संत महात्मा श्री राम जानकी मंदिर पे आते हैं, जो 100 महीने का रामचरितमानस पाठ समाप्त हुआ है। तो बाल भंडारा पहले दिन होता है, दूसरे दिन साधु संतों वाला होता है। तो मैं भी चलूँगा, ये सब ये चल के साधु संतों का वहाँ पे कुछ सेवा कर दिया जाए, और कैसे कैसे लोग बनाते हैं, कौन क्या बनाता है, कैसे क्या खाते हैं और किस तरह से उन लोगों का विदाई होती है, सब आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप पे सेट कर दीजिए, इस हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए। अभी मैं चलता हूँ, पैदल ही चलूँगा क्योंकि पास ही में है। पहली बार जब भंडारा हुआ था तो दुर्गादास जी थे, तो लगभग अब तक सब कुछ निपट ही गया था, लेकिन इस बार भंडारा में दुर्गादास जी नहीं है। बहाल कोई बात नहीं है, तो उनकी जगह कोई है, लेकिन वो रहते तो कोई बहुत कुछ और ही बात होती। अब तो इस समय वो श्री राम जानकी मंदिर अयोध्या के मेन पुजारी होने वाले हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वाह दोस्तों, इस बार कुछ नया ही सुनने को मिल रहा है। दोस्तों बहुत ही प्यारा संगीत है, प्रत्येक वर्ष यह यहाँ पर यह जब भंडारा समाप्त होता तभी होता है। चलते हैं जहाँ पर भंडार बनता है। आज के भंडार में जो है केवल साधु महात्मा लोग बनाते हैं, क्योंकि जो उस दिन भंडार दिखाए थे इसके पहले उसमें बच्चे बनाए थे, लेकिन आज देखो यहाँ पे महाराज जी लोग बना रहे हैं। भंडारा बन रहा है अभी, अब चलते हैं अंदर जी। राम भैया फोटो वोटो तो नहीं हमारे में भेज दियो? अरे महाराज बिल्कुल, हम तो एक नहीं आईबा के लिए स्पेशल। जय श्री राम। हाँ दोस्तों, यही है श्री सीताराम जी दास महाराज, यहाँ के जो पहले मंत्र थे। देखो क्या नजारा है, और यहाँ पर बाल भंड
बाल भंडारा वाले संग, ओ, ओ, ओ क्या बात है जो कल सभी लोग बना रहे थे फिर आज अपने ड्यूटी पे आ गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से है, देखो आप क्या बात है। अभी नीचे साधु महात्मा लोग आ ही गए हैं और यहाँ से तो लौकिक वाह दिव्य नज़ारा है इस श्री राम जानकी मंदिर से कार्यालय का दृश्य। और ये रहा श्री राम जानकी मंदिर का पताका फहरता हुआ और अपना जन संदेश देता हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यह वार्षिक भंडारा होता है जिसमें सारे ग्रामवासी सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ देते देते ये लगभग नहीं तो 45 से 50 वर्ष हो चुके हैं इस बाल भंडारा में लोगों को साथ देते हुए। तो जो है अभी भोजन तैयारी हो गया है, यहाँ पर एक महिला साधु आई हैं, उनका थोड़ा प्रवचन आप सुने पहले, देखिए कितना बढ़िया लगता है। गुरु के वचनों को याद करती हैं क्योंकि गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास था उनको। गुरु जी के वचनों में दृढ़ विश्वास था और ये हमारे संत महापुरुष वेद शास्त्र भी यही लगाते हैं कि यदि हमको कहीं भी किसी भी जगह पर चाहे देव स्थल पर हो, चाहे सदगुरु के शरण में हो, चाहे गुरु के भाव में हो, चाहे गुरु के वचन को, यदि मेरा विश्वास नहीं है तो फल हमको नहीं मिल सकता है। सत्य विश्वास रूपेण फलम, सब विश्वास ही फल है। आप यहाँ आए हैं, सभी भक्त यहाँ आए हैं तन मन धन लेकर के, एक विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास है कि मैं उस जगह पर जाऊंगा। और साधु संत लोग बैठ गए हैं, पंगत अभी देखिए पंगत लगी गया है। Yeah.
हो गया है, अभी भोजन प्रसाद वितरण होगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। ठंडी ना तो महात्मा, ए महात्मा बोल दे कुछ कुछ चाहिए महात्मा, ना चाहिए महात्मा, खाना खा रहे हैं हैं। ये छोटे महात्मा को पूछ रहा हूँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का, इस श्री राम जानकी मंदिर के भंडारे का, प्रसाद का इस तरह से सजाया गया। जिस तरह से किसी की शादी होती है तब उस घर को सजाया जाता है, उसी तरह से इस वार्षिक भंडारे में शादी की तरह ही माहौल होता है, जिसमें साधु संतगण आते हैं, उनके भोजन रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाती है और पंगत लगा करके यानी कि लाइन लगा कर सभी लोग भोजन प्रसाद करते हैं। ये तो बाल भंडारा लास्ट में है, और करने के बाद जब साधु संत लोग भोजन करते हैं उसी समय उनको आंचला और कंबल भेंट स्वरूप दिया जाता है, जो कि मंदिर के महंत के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि आप ये सभी लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये मंदिर के महंत हैं और ये साधु संत को कंबल वितरण किया जा रहा है। यह कंबल वितरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिससे जितने भी साधु संतगण आते हैं उनको आराम मिले और दक्षिणा भी जरूर दिया जाता है। और अभी अभी जो आपने देखा कि एक बार दो बार तीन बार, ये तीन बार साधु संत लोग अधिक संख्या में जब होते हैं तो तीन बार बैठाया जाता, नहीं तो गांव वाले लास्ट में प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद इस भंडारे का महापूरण हो जाता है। यहाँ पर मंदिर में भी महात्मा लोग भंडारा कर लिए और भंडारा प्रसाद में पूरी सब्जी तस्मई तस्मई को खीर को तस्मई बोला जाता है मिला, भोजन प्रसाद पाए सभी लोग बड़े अच्छे से, और यह वार्षिक भंडारा आज ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। श्री राम जानकी मंदिर की भंडारा की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है आज की वीडियो ये भंडारा की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ की प्रत्येक वर्ष की भंडारा की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है, इच्छुक हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। दो तीन सालों का आपको वीडियो यहाँ का देखने को मिल जाएगा, है ना। 50 सालों से भंडारा होते आ रहा है बाबा सीताराम दास जी के सानिध्य से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।